हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष बाजपई और आज हम यहाँ पे वर्क पावर एनर्जी के क्वेश्चन नंबर 32 से लेकर 36 तक करने जा रहे हैं। एंड आई होप कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 31 तक कर लिया होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हम लोग, सबसे पहले देखते हैं कि क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन में बोल रहे हैं ब्लॉक ऑफ मास 100 ग्राम। ठीक है, तो एक ब्लॉक है जिसका मास दिया गया है 100 ग्राम, इज मूव्ड विद द स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड एंड इज़ एट द हाइएस्ट पॉइंट इन अ क्लोज सर्कुलर ट्यूब। तो वो इस समय एक हाइएस्ट पॉइंट पे हमारा एक ब्लॉक है, ठीक, 10 सेंटीमीटर केप्ट इन अ वर्टिकल, तो आर भी दिया गया 10 सेंटीमीटर का लूप है और वर्टिकल लूप है। ठीक है, ध्यान रखना है। द क्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्यूब इज सच दैट द ब्लॉक जस्ट फिट करता है उसमें। ठीक है, द ब्लॉक मेक्स सेवरल ऑसिलेशंस इनसाइड द ट्यूब एंड फाइनली स्टॉप्स एट द लोएस्ट पॉइंट। फाइंड द वर्क डन बाय द ट्यूब ऑन द ब्लॉक ड्यूरिंग द प्रोसेस। ठीक है, तो फिर हमें ट्यूब ने कितना वर्क किया ये हमें निकालना है। तो देखो क्या होता है बेसिकली यहाँ पर कि हम एनर्जी कंजर्वेशन से इसको करेंगे, तो बेसिकली क्या करने वाले हैं कि अब आप ये देखो कि अगर रेडियस इसका आर है तो ये कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा, है ना, क्योंकि देखो यहाँ से चालू हुआ और वो एनर्जी लूज़ कर रहा था। तो वो एनर्जी क्यों लूज़ कर रहा था, बिकॉज द ट्यूब वॉज डूइंग सम वर्क, फ्रिक्शन वगैरह कुछ भी रहा होगा जिसके कारण, तो उसके अंदर नहीं जाना हमें कि क्या हो रहा था, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो ट्यूब है वो निगेटिव वर्क कर रहा है जिससे कि ये जो है अपनी एनर्जी लूज़ कर रहा है। ठीक है, वो हमें निकालना। तो देखो हम लोग कैसे करेंगे, आप इसको बहुत ही सिंपली कर सकते हो कि आप पहले पता करो कि आपके पास टोटल एनर्जी थी कितनी, है ना, यू हैव टू फाइंड आउट कि आपके पास टोटल एनर्जी स्टार्टिंग में थी कितनी और बाद में ये रेस्ट में आ गया तो इसका मतलब सारी एनर्जी वो लूज़ कर गया। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट है ना वहाँ पर हम लोग मान लेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी 0 है, है ना, ये बेस हम लोगों ने मान लिया। हमेशा पोटेंशियल एनर्जी के लिए आपको एक बेस पता करना होता है कि जहाँ से आप पोटेंशियल एनर्जी को जो है कैलकुलेट करोगे, है ना, एक बेस लेना पड़ेगा, रिलेटिव टू दैट यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द एनर्जी। तो अब देखो अभी क्या है कि यहाँ पर मान लेते हैं कि इसके पास वेलोसिटी वी है, तो यानी कि आप सोचो क्या क्या एनर्जी अभी इसके पास, इनिशियली कितनी एनर्जी है इसके पास। तो पहले इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, दैट इज़ 1/2 mv² है कि नहीं, और बताओ क्या है इसके पास, पोटेंशियल एनर्जी भी है mg × 2R। अब इतनी एनर्जी थी पर हुआ क्या, इसने लूज कर दिया सारी एनर्जी किसके कारण, ये जो ट्यूब ने वर्क किया इसके ऊपर, है ना, तो जो ट्यूब ने इसके ऊपर वर्क किया उसकी वजह से इसने सारी एनर्जी लूज करके आखिरी में देखो ये नीचे ना तो पोटेंशियल एनर्जी है और ना ही इसके पास काइनेटिक एनर्जी बची है, 0। समझ में आएगी नहीं किस तरीके से, फिजिक्स के अंदर हमको कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए और हमें जो है इक्वेशंस लिखनी आनी चाहिए, उसके बाद तो केवल इक्वेशन सॉल्व करना है। तो कॉन्सेप्ट हमको ये पता है कि नीचे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, ऊपर कैसे निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी ये पता होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी कैसे होती है वो पता होना चाहिए और किस तरीके से एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करना है। तो स्टार्टिंग में आपके पास इनिशियल है ये 1/2 mv² था और पोटेंशियल एनर्जी भी थी, बड़ा ही सिंपल है। फिर किसी ने एनर्जी लूज करवा दी, कौन था वो, वर्क डन बाय द ट्यूब जैसे फ्रिक्शन, और फिर आपकी एनर्जी कितनी बची, कुछ भी नहीं बची, 0 बची। ठीक है, तो बस यही निकालना है, यही कैलकुलेट कर लेना है आपको, आई थिंक अब कर लोगे आप, चलो वैल्यू भी रख देंगे हम, -1/2 mv² - mg × 2R। ठीक है, तो कितना आएगा, -1/2 × mass is 100/1000 हो गया और वेलोसिटी 25 हो गया, वी स्क्वायर है ना, और माइनस यहाँ पे भी 100/1000 हो जाएगा, जी रख लेते हम लोग 10 और 20 सेंटीमीटर, बिकॉज 2R रेडियस 10 है तो डायमीटर हो गया ना ये, तो 20 सेंटीमीटर एंड यू हैव टू डिवाइड इट बाय 100। तो ये है आपके पास टोटल जो एनर्जी आने वाली। तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 100 दो जीरो यहाँ पे कैंसिल कर देंगे, तो 5 5 जो 25,
ठीक, और 5 2 जा 10, सो दिस इज बेसिकली -5/4, आया कि नहीं आया सोचो, 5 1 0 बचा था, 10 चला गया, 5 2 10, 5 5, हाँ ठीक है। और यहाँ से देखो क्या हुआ, यहाँ से भी बेसिकली ये 1000 था नीचे, ये पूरा 1000 कैंसिल हो गया है, और यू हैव दिस 1/5, तो -1/5, इतनी एनर्जी है। तो कैलकुलेट कर लो इसको, ये -1.5 और -0.2 जूल, विच इज़ बेसिकली -1.45 जूल, ठीक है। ये वर्क डन बाय ट्यूब, आई होप कि आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया हो। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, अ कार वेइंग 1400 kg, ठीक है। तो एक कार है जिसका वेट है 1400 kg, लिख दिया है मैंने यहाँ पर, एंड इज मूविंग एट ए स्पीड 54 km/h, ठीक है, एंड अप अ हिल वेयर द मोटर स्टॉप्स, यहाँ पे मोटर जाके स्टॉप हो जाती है, ठीक है, इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, परफेक्ट। एंड नाउ व्हाट हैपेंस, If it is just able to reach the destination, which is at a height 10 meter above the point, calculate the work done against friction, negative of the work done by the friction. ठीक, तो work done against the friction, कितना work done against the friction, और जो भी आपका यानी work friction का work आया उसके negative. तो चलो करते हैं हम लोग, तो basically फिर से वही energy conservation हम लोग लगाएंगे। तो आपको ये सोचना है कि इनिशियली इसके पास क्या एनर्जी थी, इनिशियली तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी थी, है ना, तो इट हैज़ दिस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एज 1/2 mv². अब ये सब खर्च हो रही है, ये इसकी जो एनर्जी है वो खर्च हो गई, कितनी खर्च हुई भाई, ऊपर गया तो ये सारी काइनेटिक एनर्जी जो स्टार्टिंग में थी वो कन्वर्ट हो गई इसके पास किस में, एक तो mgh में चली गई, और बाकी की जो एनर्जी थी उसको फ्रिक्शन ने उड़ा दिया, ठीक है। तो टोटल जितनी भी एनर्जी थी, एक तो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में खर्च हुई और दूसरा फ्रिक्शन ने वर्क कर डाला इसके ऊपर, तो ये हमें निकालना है फ्रिक्शन, वो भी फ्रिक्शन का निगेटिव निकालना है, ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात का। तो पहले हम लोग वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकाल लेते हैं, दैट इज 1/2 mv² माइनस mgh, 100% श्योर हैं आप इस बात को लेकर, अब बस फटाफट कर डालो। देखो ये 54 कितना हो जाएगा, 5/18 से करोगे तो 15 m/s हो जाएगा, अब बस आपको यहाँ पे कैलकुलेशन ही करना है, दैट इज 1400 इंटू 15 का स्क्वायर, दैट इज 225 माइनस m कितना है, 1400 इंटू 9.8 इंटू हाइट कितनी है, 10 है, ठीक है। अब ये कैलकुलेट कर डालो, तो देखो ये कैलकुलेट किया हुआ है मैंने, ठीक है, तो 13720 ये आ रहा है, ये 13720 ये आ रहा है, और ये आ रहा है आपका 15700, ठीक है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आएगा हमारा 20,300, ठीक है। तो इतना वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन हुआ है भाई, लॉस हुआ है ना, वही आपको बताना है कि फ्रिक्शन की वजह से कितना एनर्जी का लॉस हुआ है, तो वो है 20,300। फिर से एक बार समझो, बस बिल्कुल बैंक बैलेंस की तरह आपको करना है कि इनिशियली आपके पास कितनी एनर्जी, तो जितनी भी एनर्जी थी वो आपके पास क्या थी, 1/2 mv, वो जाके ऊपर रेस्ट पे हो गया है, तो ये सब कहाँ खर्च हुई है, एनर्जी कैसे चेंज हो रही है, वो आपको ध्यान देना। तो 1/2 mv², थोड़ा सा पोटेंशियल एनर्जी, थोड़ा फ्रिक्शन ने उड़ा दिया, एंड फाइनली आपको ये पता करना था कि इसने कितना उड़ाया, तो बस 20,300 जूल, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, तो क्वेश्चन नंबर 34 में क्या बोल रहे हैं समझते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 34 बोल रहा है, स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास 200 ग्राम, ठीक है, तो डेटा लिखते जाते हैं हम लोग, तो m इज इक्वल टू 200 ग्राम, ठीक है,
स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास 200 ग्राम ठीक है इज़ कैप्ट एट द टॉप ऑफ अ फ्रिक्शन लेस इंक्लाइन. तो देखना ये फ्रिक्शन लेस इंक्लाइन है, फ्रिक्शन कोई वर्क नहीं कर पाएगा ठीक है. इज कैप्ट एट द टॉप ऑफ द फ्रिक्शन लेस इंक्लाइन विच इज 10 मीटर लॉन्ग एंड 3.2 मीटर हाई. हाउ मच वर्क वॉज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द ब्लॉक फ्रॉम द ग्राउंड ठीक है ए पार्ट, फिर टू स्लाइड द ब्लॉक अप द इंक्लाइन. What will be the speed of the block when it reaches the ground? ठीक है वो B part है, उसी में दो part हैं. और C में आपसे पूछ रहे हैं it falls off the incline and drops vertically on the ground and it slides down the incline. चार part हैं ठीक है. अब देखो हम पहला part करने जा रहे हैं guys. तो इन्होंने कहा कि पहला part ये बताओ कि कितना work करना पड़ेगा इस पर so that कि ये ऊपर पहुँच जाए ठीक है. तो भाई अभी तो नीचे है, कोई एनर्जी नहीं है, तो अपने आप थोड़ी ना एनर्जी आएगी. एनर्जी कैसे किसी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चेंज होती है, तो दो मेथड होते हैं, एक आइदर थ्रू हीटिंग और दूसरा बाय डूइंग द वर्क डन है ना. तो थर्मोडायनेमिक्स तो है नहीं, यही हमारे आपको पता होगा ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी है ठीक है. तो यहाँ पर हमें क्या करना, हीट तो नहीं होना है यहाँ पर, तो यहाँ बेसिकली वर्क डन यानी जितना हम वर्क डन करेंगे वही बेसिकली फाइनल इसकी जो भी एनर्जी है उसमें कन्वर्ट हो जाए. क्योंकि इनिशियली इसके पास देखो कोई भी एनर्जी नहीं है, जीरो है. अब इसमें आपने वर्क किया, किसी ने किया ठीक है, तो वर्क किया गया इस पर एंड देन इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई MgH. आई बात समझ में आपको. अब वर्क डन कितना किया जाए, यही तो पूछा है इन्होंने कि ए पार्ट में कि कितना वर्क किया जाए कि ये ऊपर पहुंच जाए. तो बहुत ही आसान है भाई, 200 ग्राम में 1000 में पहले इसको कन्वर्ट कर लो. जी बोला इन्होंने 10 ले लो और हाइट बोल रहे हैं हमें 3.2, तो बड़ा ही सिंपल हो गया ये तो. क्योंकि ये जीरो कैंसिल हो गया, ये दो जीरो यहाँ से कैंसिल हो गए और आपको पता चलता है कि भाई 6.4 जूल ठीक है. कितना 6.4 जूल जो है आपको वर्क करना पड़ेगा अगर आप ऐसे नीचे से ऊपर उठा के ले जाते हो. अब देखो सेकंड जो चीज़ है, जो सेकंड तरीका बता रहे हैं बी पार्ट में कि आप ऐसे इंक्लाइन के थ्रू लेके जाओ इसको. अब देखो दिक्कत क्या होती, अगर हम लोग इंक्लाइन में फ्रिक्शन होता तो फिर क्या होता है, फिर अलग बात आती इस पे. क्योंकि अब हमें क्या करना पड़ता, देखो फाइनली हमारे पास कौन सी एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी होती है. तो हमें पता है कि आखिरी में तो MgH ही है ना, फाइनल जो एनर्जी है वो तो MgH है और फ्रिक्शन वगैरह कुछ हो नहीं रहा है ठीक है. फ्रिक्शन वगैरह है नहीं, तो आपको ही देखो सारा वर्क करना है. तो जो वर्क डन होगा तो वो तो सेम ही होगा ना MgH. भाई फाइनली क्या एनर्जी है आपके पास, वो डिपेंड थोड़ी नहीं करता कि किस पास से गए, वो तो पोटेंशियल एनर्जी है ना, दैट इज़ MgH. बस वही है, तो सेम ही आंसर आएगा ना इसका भी, तो इसका भी सेम आंसर आएगा गाइस. अब देखो अगर फ्रिक्शन विक्शन होता तो थोड़ी एनर्जी लूज हो जाती बीच रास्ते में, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, फ्रिक्शन लेस बोला है, तो यानी कि इतनी ही एनर्जी रहेगी आपके पास 6.4 जूल की. अब सी पार्ट में क्या पूछा है, आई थिंक बोल रहे हैं कि स्लिप कर जाएगा अगर ये ऊपर से और नीचे गिरता है तो बताओ इसकी वेलोसिटी क्या होगी ना, यही है क्वेश्चन. Yes, what will be the speed of the block when it reaches the ground? दो तरीके से, it falls off the incline and drops vertically on the ground. ठीक है, तो यहाँ तक तो perfect है I think. अब ये दो part मैं rub कर देता हूँ ठीक है. मुझे पता चल गया कि इसके पास actually में starting में energy कितनी थी, that was 6.4 जूल है ना, MgH थी इसके पास. अब C part हम लोग यहीं कर लेते हैं, अब समझना बात को. अब देखो जब भी ऊपर से कोई बॉडी नीचे गिरती है तो एक तो डायरेक्ट आप बिना एनर्जी के भी कर सकते हो कि वेलोसिटी हमेशा √2gh होती है ठीक है. फिर भी हम लोग एनर्जी से कर लेते हैं. तो इनिशियली देखो जब ये चला तो इसके पास कितनी एनर्जी थी, MgH थी ठीक. जब नीचे पहुंचा तो इसके पास कितनी एनर्जी थी, 1/2 mv square.
एयर फ्रिक्शन वगैरह है नहीं कि कुछ लूज़ हुआ हो, जितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टार्टिंग में थी उतनी काइनेटिक एनर्जी है इसके पास। अब आप खुद ही देखो, वही आ गया ना, वी स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट टू जी एच, निकाल लो फिर, क्या दिक्कत है इसमें। दैट इज़ 2 × 10 और हाइट है 3.2, तो रूट ऑफ 64 आया, विच इज़ नथिंग बट 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कितना आ रहा है, 8 मीटर पर सेकेंड। अब कह रहे कि एक और मेथड है इसको नीचे आने का, ये इंक्लाइन के थ्रू आ गया। अरे भाई कैसे भी आया हो, फ्रिक्शन तो है नहीं कि कुछ लॉस होगा। फिर से हम लोग वही एनर्जी देखेंगे कि पहले कितनी एनर्जी थी, अब कितनी एनर्जी, वही बात हुई। स्टार्टिंग में आपके पास पोटेंशियल एनर्जी थी, दैट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, तो आपको फिर से वही इक्वेशन आ रही, तो वही आंसर भी आना चाहिए। तो वेलोसिटी क्या आएगा, 8 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 34 हो जाता है। लेट्स मूव नाउ टू क्वेश्चन नंबर 35। तो चलिए देखते हैं हम लोग नाउ क्वेश्चन नंबर 35 और क्या बोल रहे हैं इस क्वेश्चन नंबर 35 के अंदर। तो क्वेश्चन है, इन अ चिल्ड्रंस पार्क, ठीक है, देर इज़ अ स्लाइड विच हैज़ अ टोटल लेंथ ऑफ 10 मीटर, ओके, एंड अ हाइट ऑफ 8 मीटर, और आप फिगर देख सकते हो। वर्टिकल लैडर आर प्रोवाइडेड टू रीच द टॉप, ऊपर जाने के लिए यहाँ पे वर्टिकल लैडर ऐसे है, देखा ही होगा आप लोगों ने ना, ओके। अ बॉय वेइंग 200 न्यूटन, वेट ऑफ द बॉय आई हैव रिटन हियर, क्लाइम्स अप द लैडर टू द टॉप ऑफ द स्लाइड्स एंड स्लाइड्स डाउन टू द ग्राउंड, द एवरेज फ्रिक्शन ऑफर्ड बाई द स्लाइड इज 3/10 ऑफ हिज वेट, फाइंड द वर्क डन बाई द लैडर ऑन द बॉय एज ही गोज अप, the work done by the slide on the boy as he comes down, ठीक है, तो work पहला क्या है, work done by the ladder, the work done by the slide on the boy as he comes down, and neglect any work done by forces inside the body of the boy. अब देखो यहाँ पर समझना बात को, अब कह रहे कि ladder ने कितना काम किया। अब देखो लैडर फोर्स तो लगाया रहेगा, जैसे ही देखो यहाँ पर जब ये जो भी बच्चा है ये जब चढ़ रहा है इस लैडर के ऊपर, तो व्हाट हैपेंस कि लैडर कैसे वर्क कर सकता है। जब देखो यहाँ पे एमजी लग रहा है, इसने पैर रखा, वेट रखा, और यहाँ पे नॉर्मल हुआ है ना, लेकिन व्हाट हैपेंस कि नॉर्मल इसको नहीं पुश करता है, नॉर्मल इसको बैलेंस केवल करता है। यहाँ पर नॉर्मल ऐसा नहीं है कि नॉर्मल ने इसको कुछ फोर्स दिया जिसकी वजह से ये ऊपर गया, वो अपने वजह से ही बॉय जो है चढ़ेगा ना। आप थक जाते हो ना, आप जब चढ़ते हो सीढ़ियों को चढ़ते हो तो क्या होता है, क्या कोई हेल्प करता है आपको चढ़ने के लिए ना, आप तो ग्रेविटी के अपोजिट आपकी बॉडी वर्क कर रही होती है, ठीक है, तो उसमें कोई सीढ़ी का हेल्प नहीं है। ठीक है, सीढ़ी आपको एक मैकेनिज्म केवल प्रोवाइड कर रही है ऊपर चढ़ने के लिए, वो आपके ऊपर वर्क नहीं करती, बिकॉज जो फिट हैं आपके वहाँ पे नॉर्मल लगी, लेकिन फिर क्या हुआ, क्या मूवमेंट करा क्या नॉर्मल फोर्स ने आपका, तो यानी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो है वो मूव किया ही नहीं नॉर्मल की वजह से, और जब डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ नॉर्मल की वजह से, तो वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। तो इसलिए जो पहला पार्ट है, दैट इज़ वर्क डन बाय लैडर, दिस इज़ जीरो, बिकॉज जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है फिट, वो मूव नहीं किया है बिकॉज ऑफ द नॉर्मल, दैट्स व्हाई आपका वर्क डन बाय लैडर जो है वो जीरो आ रहा है। तो ये पहला पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में पूछा है कि स्लाइड ने आपके ऊपर कितना वर्क किया है। तो देखो जितनी भी आपके पास एनर्जी थी, ठीक है, वो कैसे आएगी, वो किस में स्टोर हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाती है, वही आपने वर्क किया है। एंड व्हाट हैपेंस, उसका कुछ पार्ट ऑफ द वर्क जो है वो वेस्ट होगा यहाँ पर बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन, एंड द रेस्ट आपके पास काइनेटिक एनर्जी हो। हमें पता नहीं कि कितनी काइनेटिक एनर्जी है, तो हम उसकी हेल्प से नहीं निकाल सकते कि हाँ चलो मेरे पास इतना पोटेंशियल एनर्जी था और इतनी काइनेटिक एनर्जी है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो जितना भी लॉस हुआ है वो फ्रिक्शन की वजह से हुआ है, तो ऐसा यहाँ है नहीं। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि फ्रिक्शन कितना है ये हमको दे रखा है। तो उन्होंने बताया जो फ्रिक्शन लग रहा है वो 3/10 ऑफ वेट ऑफ द बॉय है। तो फ्रिक्शन, अब वेट ऑफ द बॉय इज गिवन एज 200 न्यूटन, तो दिस इज 3/10 × 200। तो ठीक है, तो आराम से आप ये बात समझ सकते हो। अब ये देखो 60 न्यूटन का जो है फ्रिक्शन लग रहा है, लेकिन जब बॉय नीचे आ रहा है तो फ्रिक्शन लग रहा है ऊपर, है ना भाई, रोकने की कोशिश करेगा, तो क्या ये पॉजिटिव वर्क है, बिल्कुल नहीं, दिस इज़ निगेटिव वर्क।
तो वर्क डन जो हो रहा है यहाँ पे बाय फ्रिक्शन के द्वारा जो किया गया वर्क है दैट इज माइनस 60 × 10 विच इज माइनस 600 जूल। ठीक है, तो माइनस 600 जूल आपका यहाँ पर वर्क डन बाय फ्रिक्शन है। तो समझ में आ गया, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज 600 जूल, वर्क डन बाय लैडर इज 0, और जितना भी वर्क है भाई वो किसने किया, बॉय ने। कितना वर्क किया, MGH के बराबर, सारी मेहनत तो उसी ने की है। तो बॉय का वेट आपको दिया है यानी कि MG दिया 200 और हाइट दिया 8, तो बॉय ने कितना वर्क किया अगर पूछा जाता तो दैट इज 600 जूल। ठीक है, नोट करिए एंड देन वी विल बी डूइंग द लास्ट प्रॉब्लम, दैट इज क्वेश्चन नंबर 36। तो चलिए देखते हैं अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 36 ऑफ दिस वीडियो, फिफ्थ क्वेश्चन है गाइस। एंड आई होप कि आपको काफ़ी आसान लगे होंगे क्वेश्चंस, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है देन सॉल्विंग प्रॉब्लम मींस कि आप इक्वेशंस लिख रहे हो और उनको सॉल्व कर रहे हो, वही आप देख रहे हो यहाँ पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, क्योंकि कुछ ही स्किल्स हैं जो हमें फिजिक्स में आनी चाहिए, उनमें से एक एनर्जी कंजर्वेशन है, मोमेंटम कंजर्वेशन है ना, ये सब आपको आता रहना चाहिए। तो ये एनर्जी कंजर्वेशन पे हम लोग ये क्वेश्चंस देख रहे हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि फिगर, आपके सामने फिगर है, यहाँ पे एक ब्लॉक है, ए पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, ए पॉइंट पे। एंड व्हाट हैपेंस कि अ पार्टिकल स्लाइडिंग ऑन अ फ्रिक्शन लेस ट्रैक्स विच टर्मिनेट इन अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल सेक्शन, इफ द पार्टिकल स्टार्ट स्लिपिंग फ्रॉम द पॉइंट ए, हाउ फार अवे द ट्रैक फ्रॉम द ट्रैक विल द पार्टिकल हिट द ग्राउंड। तो देखो यहाँ पे मैंने पूरा यहाँ पे बताया आपको कि क्या हुआ कि ये स्लिप कर गया मान लो यहाँ से, और फिर ये ऐसे 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 गया और फिर ये हाफ मीटर तक यहाँ पहुँच गया, और बताया कि फ्रिक्शन विक्शन है नहीं गाइस, इसमें कुछ एनर्जी का लॉस वॉस नहीं हो रहा है, ठीक है, मतलब फिर यहाँ पर इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, वो काइनेटिक एनर्जी से जो इसको वेलोसिटी मिलेगी उसकी वजह से अभी भी देखो इसके पास एनर्जी रहेगी, तो ये कुछ प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए यहाँ तक पहुँचेगा। तो ये आपसे ये जो रेंज है ना ये पूछ रहे हैं, क्योंकि ट्रैक यहीं ख़त्म हो गया, तो उस ट्रैक से हॉरिजॉन्टली कितनी दूर ये बॉल या जो भी है वो गिरा, ठीक, यही तो पूछ रहे हैं। अब आपको देखना है कि आपके पास वेलोसिटी है कितनी। तो देखो वेलोसिटी मैंने बताया ना कि नेट इतना, अब मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पे मैं मान लूँगा कि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो यहाँ मैं देखूँगा कि मेरे पास कितना एनर्जी है, दैट इज़ MGH, और यहाँ पर मेरे पास है काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ MV स्क्वायर, तो MM कैंसिल, और यही तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई अब डायरेक्ट ही 2GH लगा दो। तो अब यहाँ पे 2G और हाइट है कितनी, एक मीटर ये, हाफ मीटर ये, तो बची हुई कितनी हुई, हाफ मीटर, तो 2G × ½ यानी कि √g/s आपके पास इस समय वेलोसिटी है। अब देखो जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो हॉरिजॉन्टल है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे नहीं कि ऐसे गया है, फिर देखो ऐसे स्ट्रेट दिखाया हुआ है फिगर के अंदर, यानी कि जो वेलोसिटी है वो आपकी एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी है। तो आई विल राइट कि भाई वेग जो वेलोसिटी है दैट इज़ √g/s वो x डायरेक्शन की है, क्योंकि जो रेंज निकलती है ना वो x डायरेक्शन की वेलोसिटी के हेल्प से ही निकलती है। अब रेंज निकालने के लिए आपको टाइम की भी ज़रूरत पड़ती है, तो टाइम कैसे आएगा, अब देखो यहाँ से यहाँ पर गिरने में कितना समय लगा, उस y डायरेक्शन में हम लगा सकते हैं h = ½ gt², हाइट कितनी, उसको नीचे आना है ½ gt² हाफ ऑफ कैंसिल, टी इज कमिंग आउट टू बी 1/√g ये सेकेंड, तो टाइम भी मिल गया हमें कि कितनी देर में ये नीचे गिरा, दैट इज 1/√g/s, और वेलोसिटी इन द एक्स डायरेक्शन कितना है, √g/s। तो रेंज कितना है, रेंज इज नथिंग बट vx × टाइम, है ना भाई, इधर तो कोई एक्सिलरेशन है नहीं एक्स डायरेक्शन में, तो सिंपल वेलोसिटी इनटू टाइम डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया हम लोगों ने, दिस इज √g और टाइम है 1/√g, दोनों कैंसिल हो गए, तो 1 मीटर। तो जो कितनी दूर गिरा जाके, यानी कि रेंज जो पूछ रहे थे दैट इज़ 1 मीटर। ठीक है, तो आई होप कि आपने सारे क्वेश्चन आराम से समझ लिए हैं, एंड ट्राई करिए आप और भी प्रॉब्लम्स, ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट सेट ऑफ प्रॉब्लम्स लेके आगे आएंगे। थैंक यू वेरी मच।